बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी WHO जो कैरेक्टराइज करता है इसको, दैट इज एन इंडिविजुअल विद अ BMI ऑफ मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा बहुत सारी डिजीजेस होने का चांस बढ़ जाता है, बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज और डायबिटीज मेलाइटिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स एज वेल। सो ओबेसिटी जो मॉर्बिडिटी है, यानी जो डिजीज की प्रेवलेंस है, वो उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है। इवन सो मच सो आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स भी किसी हद तक एसोसिएटेड हैं ओबेसिटी से। स्लीप एपनिया जो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, सीवियर स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इस तरह की इश्यूज भी हमारे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी क्या क्या हो सकती हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। पेज नंबर 166 के ऊपर मैं हूँ। मेटाबॉलिक अगर हम बात करें तो उसके अंदर हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। वास्कुलर में इस्केमिक हार्ट डिजीज, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज यानी जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, वो हो सकता है। फिर रिप्रोडक्टिव अगर हम बात करें तो PCOS आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फिर जनाब कैंसर की अगर हम बात करें, एंडोमेट्रियल कैंसर है, पोस्ट मीनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर है। एंडोमेट्रियल कैंसर बेसिकली एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस की या वॉम की, वहां से राइज होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, फिर जनाब इसी तरह से रीनल सेल कैंसर है, किडनीज के जो है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ईसोफेगल कैंसर है, तो बहुत सारे कैंसर्स जो हैं उनकी होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं फॉर पर्सन हुज ओबीस। GI की अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, GIT की, तो NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उसका चांस बढ़ जाता है। यानी इट्स अ डिजीज व्हिच अफेक्ट्स योर लिवर, गॉल स्टोन्स होने का चांस बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी अगर हम बात करें तो स्लीप एपनिया उसके अंदर वो बहुत ज्यादा कॉमनली देखी गई है ऐसे पर्संस के अंदर जो बेसिकली ओबेस होते हैं। फिर इसी तरह ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम होता है, OHS इसको हम कहते हैं। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओबेसिटी और डे टाइम हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीज इन आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इस डिसऑर्डर के अंदर भी। ठीक है, अगेन इट इज रिलेटेड टू ओबेसिटी। अच्छा जी, इसके अलावा फिर अगर हम देखें तो साइकेट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मस्कुलोस्केलेटल में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं ऐसे लोगों के अंदर, इन्फेक्शन है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस है, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बेसिकली बेटे वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इसको हम कहते हैं, VTE हम से उसको करते हैं रिप्रेजेंट। इट्स अ कंडीशन जिसके अंदर ब्लड क्लॉट एक बन जाता है, जनरली लेग की जो डीपर वेन्स हैं उसके अंदर या ग्रॉइन के अंदर या आर्म के अंदर भी इवन समटाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इंक्रीज्ड रिस्क के ऊपर जिसकी वजह से आप आ जाते हैं अगर आप एपिडेमियोलॉजी। खैर इन्होंने UK के रेफरेंस से ज्यादा दी हुई है तो उस पे हम नहीं जाएंगे। एटियोलॉजी में क्या है जी, बेसिकली जी बेटा जी जी सर, जो हमारी बॉडी पे अक्सर स्पाइडर वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं? नहीं, स्पाइडर वेन्स इसकी वजह से नहीं, वो दैट इज डिफरेंट। स्पाइडर वेन्स की बेटा डिफरेंट मेडिकल रीजंस हैं, उसको ओबेसिटी से नहीं होती। अच्छा, एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेनली इसके अंदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, एक्सेसिव फूड इनटेक है, यानी अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा ले रहे हैं,
अगर आप बहुत ज्यादा हाई कैलोरी फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पोर्शन साइजेस बहुत बड़े हैं, और इसमें ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं कुछ केसेस के अंदर, ओबेसिटी रन इन द फैमिली। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में ओबेसिटी रन करती है तो यू शुड जस्ट लीव एवरीथिंग और आप बैठ जाएं कि जी नहीं हो कि मैं, क्योंकि फैमिली में ही रन करती है तो अब मैं जो मर्जी कर लूं तो उससे कोई मुझे फायदा तो होने नहीं वाला। दैट इज नॉट द केस। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो पेशेंट्स ओबीस होते हैं जनरली उनकी एप्पल शेप बॉडी हो सकती है या फिर उनकी पियर शेप बॉडी होती है, ठीक है। एप्पल शेप बॉडी जनरली मेल्स के अंदर होती है जिसके अंदर पेट बड़ा हुआ होता है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है। पियर शेप बॉडी जनरली फीमेल्स की होती है जहां पे उनकी फैट डिपोजिशन जनरली अराउंड हिप्स एंड थाइज एरिया, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके अंदर बड़ी होती है। स्किन टैग्स हमें नजर आ रहे होते हैं। स्किन टैग्स आपको पता है जैसे सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से स्किन टैग्स हो जाते हैं कि जिस स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है, उस तरह से ओबेसिटी की वजह से भी समटाइम्स होता है। फिर जनाब एकेंथोसिस, निग्रिकेंस की कंडीशन ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। एकेंथोसिस निग्रिकेंस ब्राउनिश ग्रेश पिगमेंटेशन होती है हमारी स्किन की, नॉर्मली नेक की बैक साइड के ऊपर ही हमें बहुत ज्यादा मिल रही होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यह है कि फीमेल्स के अंदर हमें हिर्सूटिज्म भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। हिर्सूटिज्म बेसिकली इट्स अ कंडीशन जहाँ पे वुमेन हैव एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर जस्ट लाइक मेल्स, फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है फीमेल्स के अंदर। फिर इसी तरह से ऑर्गन फेलियर, कार्डियोमेगली हो गई, यानी जिसको हम उर्दू में नॉर्मल कहते हैं जी दिल बढ़ गया, दिल का बढ़ जाना, ठीक है। रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, हिपैटोमेगली हो सकती है, हिपैटोमेगली भी बल्कि काफी कॉमन है ओबेसिटी के केस के अंदर। हिपैटोमेगली का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारा लिवर जो है वो एनलार्ज हो जाता है, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोस्टिक अप्रोच में एक तो हम बीएमआई यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि बीएमआई बहुत अच्छा इंडिकेटर हर केस में नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी में अगर बीएमआई हम करें तो डेफिनेटली इट इज क्वाइट इलॉजिकल, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर हम और बहुत सारी हमारे पास बेसिकली ऑप्शंस हैं, जैसे बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस होती है, बॉडी कॉम्पोजिशन होती है, ट्राइसेप स्किन फोल्ड थिकनेस होती है, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग होती है, इन सब के थ्रू हम ओबेसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स विद ओबेसिटी हमें क्या क्या लेना चाहिए। क्लिनिकल में हमें हिस्ट्री ऑफ वेट गेन लेना चाहिए कि कब से वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, वेट लॉस अटेम्प्ट्स कितनी की, कब कब की, क्या हुआ। फैमिली हिस्ट्री लेनी चाहिए ओबेसिटी की, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियस है। इसी तरह साइकियाट्रिक इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी होती है, यानी जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं या एंजाइटी होती है तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, किससे बात नहीं करेंगे, घर से निकलेंगे नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। इन सारी चीजों की वजह से ओबेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है। और आपको कॉर्टिसोल का रोल भी हमने पढ़ा था कि जी कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के अंदर वो ज्यादा रिलीज होता है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है तो भी आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंटरलिंक्ड है। इसी तरह बहुत सारे लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे बुलिमिया नर्वोसा, जिसके अंदर आपको पता है बिंज ईटिंग आप कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा खा रहे होते हैं डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर। एबनॉर्मल फूड बिहेवियर्स होते हैं जैसे सिक्रेटिव ईटिंग, यानी जैसे कुछ लोग को आपने सुना होगा टेलीविजन पे आके भी जी बहुत लोग बता रहे होते हैं कि जी हम तो रात को 12 बजे 2 बजे उठ के तो चॉकलेट केक्स खा रहे होते हैं छुप के घर वालों के, सिक्रेटिव ईटिंग स्टफ लाइक दैट। फिर ये है कि कंसिडरेशन ऑफ सेकेंडरी कॉज ऑफ ओबेसिटी, समटाइम्स किसी डिजीज की वजह से भी, जैसे किडनी वाले पेशेंट्स, रीनल पेशेंट्स को अगर हम स्टीरॉइड्स के ऊपर रखते हैं बहुत देर तक तो समटाइम्स उनको उस वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है। तो कुछ डिजीजेस की वजह से भी आपको ओबेसिटी होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें जो आपको एक 20% की हिस्ट्री लेते हुए पता होनी चाहिए। अच्छा जी, मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। मेजर जो एम्स हैं ओबेसिटी के, एक तो रिड्यूस एंड मेंटेन वेट लॉस है, फिर एड्रेस एनी प्रेसिपिटेंट्स ऑफ वेट गेन, यानी
प्रेसिपिटेंट्स का मतलब है कि ऐसी चीज जिसकी वजह से वेट गेन ट्रिगर हो रहा है। सो यानी अगर डिप्रेशन की वजह से वेट गेन हो रहा है तो मेरे लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि जब तक डिप्रेशन नहीं जाएगा पेशेंट का तब तक उसका वेट गेन कम नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा। तो बजाय इसके कि मैं उसको कहूँ कि आप खाना कम कर दें, मुझे उसके डिप्रेशन के ऊपर भी काम करना है। खाना वो कम कर भी देगा लेकिन बिकॉज इज इन स्ट्रेस उसका वेट गेन ही होगा, वेट लॉस नहीं होगा। बिहेवियरल इंटरवेंशन में अगेन किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प हमें लेनी चाहिए, साथ में जो उसकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम कर सके। बहुत सारे केस में होता है कि कोई ना कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर सक रहे होते खुद से, जिसको हम एक साइकोलॉजिस्ट की असिस्टेंस के साथ हम ज्यादा बेटर उनको हम देख सकते हैं। फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, अच्छा ये भी बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हम तो ज्यादा नहीं खाते और हमारा स्टिल वेट गेन है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि जो चीज वो खा रहे होते हैं वो उनका वेट गेन बहुत ज्यादा करवा रही होती है और उनके ख्याल में हम ज्यादा नहीं खा रहे होते। जैसे मेरे पास एक मुझे छोटा सा केस आता है कि एक पेशेंट आई, शी वॉज फ्रॉम अ विलेज, और वो मुझे कहती है कि जी मैं तो बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगती और मेरा वेट फिर भी बहुत ज्यादा होता है। फिर मैंने थोड़ा सा उनका डाइटरी हिस्ट्री लिया तो मुझे पता चला कि उनके घर में मिल्किंग एनिमल था बफेलो और वो फ्रेश मिल्क। वो कहती हैं कि जी मैं तकरीबन 5 से 6 ग्लास मैं रोजाना पीती हूँ और मुझे भूख नहीं लगती और वेट मेरा बढ़ता जा रहा है। तो अब 5 से 6 ग्लास दूध, वो भी ऑब्वियसली फुल क्रीम फ्रेश मिल्क जिसके घर में मिल्किंग एनिमल हो, और गांव में नॉर्मली जो ग्लास यूज होता है वो ग्लास भी 250 ml वाला नहीं होता जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा ग्लास होता है, 350 ml के करीब होता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि समटाइम्स लोग कहते हैं जी हम तो बिल्कुल नहीं खाते और हमें हम पता नहीं क्यों मोटे हो रहे हैं। उनके ख्याल में जो वो खा रहे होते हैं उससे वो मोटे नहीं होते, बट जो भी हम खा रहे हैं अगर उसके अंदर वो कैलोरिक डेंस है तो उससे ज्यादा हम मोटे होंगे। अच्छा जी, मेडिकेशंस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारा वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारा वेट गेन हो रहा होता है। जैसे जो मेडिकेशंस हम नॉर्मली साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए लेते हैं, स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, वो नॉर्मली हमारा वेट गेन करवा रही होती हैं। फिर इसी तरह फीमेल्स अगर OCPs लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सो उसके रिजल्ट में भी काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा होता है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, कुछ मेडिकेशन ऐसी आती है मार्केट में जो हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, यानी वो वाले एंजाइम जो हमारे फैट को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं, उन एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं, यानी इन अदर वर्ड्स फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। जैसे आपने शायद सुना हो सबसे कॉमन ऑर्लिस्टैट या ऑर्सलिम के नाम से जो हमारी मेडिकेशन आती हैं, तो सीवियर अगर आपको ओबेसिटी हो तो फिर समटाइम्स सॉल्यूशंस ऐसी मेडिकेशन भी रेकमेंड कर देते हैं। जनरली स्पीकिंग इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज इन मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा हैं, समटाइम्स इवन रीनल फेलियर तक रिपोर्ट हुआ है इन मेडिकेशंस को यूज करने के रिजल्ट के अंदर। तो हमें ऐसी मेडिकेशंस को यूज नहीं करना चाहिए या बहुत मिनिमम अंडर एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज करना चाहिए इफ एट ऑल अगर हमें करना भी है। और यह है कि ऐसी मेडिकेशंस में फिर साइड इफेक्ट्स इस तरह से भी आते हैं कि बिकॉज ये मेडिकेशन फैट्स को एब्जॉर्ब होने नहीं देती तो हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होते। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो जाहिर है उनके जो स्पेसिफिक अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं बॉडी में उनको भी वो प्रोड्यूस परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर जनाब सर्जरी का ऑप्शन होता है हमारे पास, बेरियाट्रिक सर्जरी में भी आपने नाम सुना होगा। बेरियाट्रिक सर्जरी वेट लॉस सर्जरीज होती हैं और ये ऐसे पेशेंट्स के लिए हम कंसिडर करते हैं जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, जिनका BMI 40 से ज्यादा होते हैं या फिर 35 से ज्यादा होते हैं और उनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया इस तरह की कुछ होते हैं। ठीक है जनाब, सो बेरियाट्रिक सर्जरीज में या तो हम गैस्ट्रिक बैंड हम करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि अम्ब्रेला टर्म इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती है, या हम गैस्ट्रिक बायपास यूज करते हैं सच एज RONY प्रोसीजर, RONY बायपास। गैस्ट्रिक बायपास
इट्स अ टाइप ऑफ सर्जरी बेटे, जिसके अंदर हम स्टमक का जो साइज है उसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप जो भी खाएंगे वो कम खा सकेंगे, स्टमक का साइज छोटा हो गया। फिर इसी तरह से रोएन वाय प्रोसीजर जो है, ये भी इट्स अ वेट लॉस सर्जरी, जिसके अंदर हम एक छोटा सा पाउच बना देते हैं स्टमक को, यानी बजाय इसके कि पूरा स्टमक को, एक छोटा सा पाउच बना देते हैं, और उस पाउच को हम डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी ईसोफेगस से फूड डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत तरह की भी रिएक्टिव सर्जरी होती है। ओके, बेरियाट्रिक सर्जरी में नॉर्मली बेनिफिट हमें मिल जाता है कि 10 केजी तक हमें वेट लॉस मिल जाता है, 15 केजी तक भी मिल सकता है, 30% रिडक्शन हो जाती है डेक्स के अंदर, फिर हाइपरटेंशन बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, तो बेनिफिट्स हमारे हैं। लेकिन बहरहाल सारे बेरियाट्रिक सर्जरीज के भी अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, समटाइम्स इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है, आपको नहीं पता चलता, समटाइम्स ये होता है कि जनाब एक्सपेंसिव भी होती है, डेफिनेटली हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लिवर श्रिंक हो जाता है, तो जाहिर है आपकी कैपेसिटी खाने की बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से आपको बहुत डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। सम बेरियाट्रिक सर्जरीज के अंदर ये होता है कि आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो आपको सारी जिंदगी मल्टी वाइटामिन के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सही से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो भी एक पूरा इशू है। अच्छा जी, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज लिपिड डिसऑर्डर्स, उसके अंदर हम बात कर लेते हैं। तीन मेजर टाइप के हाइपर लिपिडीमिया जो जनरली होते हैं, वन इज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ऑब्वियसली जैसे नाम से पता चल, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अदर इज हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, increased triglyceride levels, and third is mixed hyperlipidemia, yani jiske andar cholesterol levels bhi high hote hain aur triglycerides levels bhi high hote hain. Etiology iske andar combination of genetic and lifestyle factors hota hai, primary bhi ho sakte hain, acquired bhi ho sakte hain. Agar hum causes ki baat kare, ye table mein bada acche se sum up kiya hua, table 3.11 page number 168. सो हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया की अगर हम बात करें तो जनाब इसके अंदर होमोजाइगस फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया जीन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक्वायर्ड हाइपरलिपिडीमिया की बात करें तो वो डायबिटीज की वजह से हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, फिर जनाब रीनल फेलियर की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारी जो यूरिन है उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। कुछ ड्रग्स की यूज की वजह से भी हो सकता है, जैसे डायरेटिक्स अगर हम लेते हैं इनकी वजह से, एंटी रेट्रोवायरल अगर हम लेते हैं, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, एल्कोहल का बहुत ज्यादा इंटेक अगर हम करें उसकी वजह से, पैथोजेनेसिस हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिपोप्रोटीन्स बेसिकली हमारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस इन द बॉडी जिसका जो पर्पस होता है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है फैट इन आर बॉडी, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन्स के अंदर काइलोमाइक्रॉन्स आते हैं, VLDL आते हैं यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL आते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, HDL आते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। सो ये बेसिकली इन सारी चीजों को सब्सटेंसेस को ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो ट्राइग्लाइसरीड्स हैं उनको बेसिकली काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL कैरी करते हैं, और इसी वजह से VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स दीज आर नॉट द गुड टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ जो है वो मेनली LDL और HDL कैरी करता है। HDL जो है वो हमारी सेल्स में से फैट्स को रिमूव करता है और इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, इसी वजह से इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, टेंडन ज़ैंथोमास फ्रीक्वेंटली होते हैं प्रेजेंट ऐसे पेशेंट्स में जिनको हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया हो,
टेंडन ग्रेंथोमास बेसिकली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं बेटे, जो आपके टेंडन्स के अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया के, उनके अंदर जेन जेंथेलेज्मा की कंडीशन भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। जेंथेलेज्मा के अंदर बेसिकली बेटे जो कोलेस्ट्रोल है उसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है जस्ट अंडरनीथ द स्किन, और उसकी वजह से आपका जो स्किन कलर है बड़ा येलोइश सा नजर आता है, ठीक है, स्पेशली आईलिड्स के अराउंड। तो इस कंडीशन को हम जेंथेलेज्मा के, अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड अगर हम हाइपोट्राइग्लाइसीडेमिया की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इरप्टिव ज़ैंथोमास होते हैं। इरप्टिव ज़ैंथोमास का मतलब है कि जो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर पेप्यूल्स से नजर आते हैं, उभरे हुए जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लाइपीमिया रेटिनलिस कंडीशन होती है, यानी आपकी जो रेटिनल वेन्स हो या आर्टरीज हैं वो बहुत मिल्की वाइटिश कलर की नजर आती हैं। लिपेमिक सीरम यानी आपका जो सीरम है वो भी अगेन मिल्की वाइटिश कलर का नजर आता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होती है जी, पेशेंट्स को हम कहते हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस उनका हम तब करते हैं जब सीरम कोलेस्ट्रॉल कंसेंट्रेशन 7.5 मिलीमोल्स पर लीटर से ज्यादा उनकी आती है, ठीक है। और उसके साथ साथ या तो टेंडन ज़ैंथोमेटा होता है या फिर फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव का कोलेस्ट्रॉल कंसेंट्रेशन होती है 7.5 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा, या फिर फैमिली हिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं तो MI मिलता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 50 ईयर्स की एज से पहले, ठीक है जी। कुछ कंडीशंस जो हैं उनको हम मॉडिफाइबल रखते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई, ओबेसिटी हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है। कुछ कंडीशन नॉन मॉडिफाइबल होती हैं, जैसे एज है या एथनिक ग्रुप है या जेंडर है, उसको फिर हम ज़ाहिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम ऑब्वियसली लिपिड प्रोफाइल सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, वो कॉमन है, और अगर हमें फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया का डाउट हो तो फिर हम ज़ाहिर जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं ये देखने के लिए कि ओके जीन्स में कहाँ पर डिफेक्ट है या फैमिली में रन करें या नहीं करें। मैनेजमेंट क्या है, डाइट एडवाइस, लिपिड लोअरिंग फूड जो है वो हमने लेना है, फाइबर इंटेक ज़्यादा करना है, वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग ट्रीटमेंट जनरली हम स्टेटिन ड्रग्स के साथ करते हैं, अगर स्टार्ट हम ड्रग्स को करें, स्टेटिन ड्रग्स लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन होती है। अच्छा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हमारा टारगेट ये होता है कि 50% रिडक्शन हमने करनी है LDL कोलेस्ट्रॉल की, और सेकेंडरी प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम लिपिड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जैसे स्टेटिंस का मैंने अभी बताया जो जनरली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन ये है कि स्टेटिन अगर आप बहुत लंबे अरसे तक लें तो फिर आपको लिवर ट्रांसमाइनेज इंक्रीज होने का चांस भी ज्यादा होता है, ठीक है। लिवर ट्रांसमाइनेज बेसिकली क्या होता है, लिवर ट्रांसमाइनेज एक एंजाइम है जो बेसिकली एलिवेट हो जाता है अगर हम स्टेटिन फॉर एग्जांपल ज्यादा लेते हैं। ये एंजाइम करता है कि ये एंजाइम एमिनो एसिड को एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है टू कन्वर्ट देम इनटू यू नो एनर्जी, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर स्टेटिन इफेक्टिवली काम नहीं करता तो फिर कुछ और भी ड्रग्स होती है, निकोटिनामाइड या नियासिन जिसको हम कहते हैं वो है, फिर जनाब फिब्रेट बेस्ड ड्रग्स होती हैं हाइपरट्राइग्लाइसीडीमिया के केस में, इजेटिमाइड होती है जिससे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होती है, ये सारी ऑप्शन है। सो दैट इज ऑल अबाउट लिपिड डिसऑर्डर्स एंड ओबेसिटी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और मंडे को ऑब्वियसली 10:30 पे आई विल बी टेकिंग दैट क्लास इंशाल्लाह. ठीक है, सो लिंक्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं. नो सर, सब समझ आ गया. ठीक है, फाइन. मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, मेजॉरिटी तो वही बातें जो हम पूरे अब तक सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके बेटे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, ठीक है सर. अल्लाह हाफिज़.